ये ले नीलम, तेरे लिए मैं गुलाब लेके आया हूँ। अरे वाह, आज रोज डे है पर रेड गुलाब देना चाहिए था, ये वाइट क्यों? अरे शादी के इतने साल बाद प्रेम से ज्यादा शांति की जरूरत होती है पगली। दोस्तों, आपको ये लगता होगा कि लड़कियां कुछ नहीं खाती, सिर्फ भाव खाती हैं, लेकिन जब ये शादियों में जाती है ना तो ये कुछ नहीं छोड़ती, सब खाती हैं। ये देखो कितना कितना खाती हैं। सुनो। हाँ? मैं ना अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। यार तुम हर दूसरे दिन अपनी मम्मी के घर ही जाती रहती है। ओ, तुम्हें इतना बुरा लगता है? चलो ठीक है, मैं नहीं जाती, उन्हें यहीं बुला लेती हूँ। नीलम तुम कितनी सुंदर हो ना, फिर भी तुमने शादी के लिए मुझसे कैसे हाँ कर दी? तुम्हारे मोहल्ले में ना मेरी बुआ हाँ? रहती हैं, और एक बार जब मैं उनके घर गई थी ना रहने। अच्छा। तो तुम्हारी मम्मी ना तुम्हारी ना पिटाई कर रही थी और तुम सर झुका करके खड़े हुए थे। मैंने उसी दिन सोच लिया था शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। क्या सोच रहे हो ऊपर देख के? यही के इस जन्म में तुझसे शादी करके मुझे फायदा हो ही गया। ओह थैंक यू, पर क्या फायदा हो गया? कि मुझे इसी जन्म में मेरे गुनाहों की सजा मिल गई। हर नाराज पत्नी के पीछे उसके पति का हाथ होता है, पर उस पति को अपनी गलती भी नहीं पता होती। सुनो। हाँ? एक बात बताओ। क्या? मैं तुम्हें इतना डांट देती हूँ फिर भी तुम बुरा नहीं मानते, क्यों? क्योंकि मैं ये सोचता हूँ जो पड़ोसन देखती होगी तो कहती होगी वाह आकाश ये पति ऐसा मुझे मिला होता। और नीलम तेरी इंग्लिश क्लासेस कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही है, और मैं आजकल टेंसेस कर रही हूँ। अच्छा। हाँ? तो आई विल किल यू का फ्यूचर टेंस बता क्या होता? आई विल किल यू, यू गो जेल। क्या बात है, कितनी बढ़िया इंग्लिश सीख गई है तू भाई। हाँ? ये देख ये क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एक दिन सारी दुनिया चांद पे शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा। क्यों क्या हुआ? अरे सारी दुनिया चांद पे शिफ्ट हो जाएगी, तुम करवा चौथ का व्रत कैसे खोलेंगे? ये बात तो है। नीलम। हाँ जी बोलो। चाय बना जाए जरा बढ़िया सी। मेरा नहीं मन बनाने का, मैं नहीं बना रही। चल तेरे को एक शेर सुनाता हूँ, शायद तेरा मन कर जाए। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। सच की दवाई। वाह। सुन रही है? हाँ हाँ। सच की दवाई और बिना नखरे की लोगाई, ना आज तक कभी बनी है ना बनेगी। अब तो चाय बिल्कुल नहीं मिलेगी। सुनो। तुम कल पड़ोसन के साथ पिक्चर देखने गए हो? हाँ। क्यों? आजकल ऐसी पिक्चरें आई कहाँ रही हैं जो बंदा फैमिली के साथ देख सके। बेटा तुम्हारे सर पे चुड़ैल का साया है। मदार बाबा जी, एक भी वर्ड अगर गलत बोला तो वो जैसी भी है मेरी पत्नी है, इसके बारे में कुछ गलत सुनूंगा। और भाई क्या हाल है, कब मिल रही हो? सब सही है सब। किससे बात कर रहे हो? बहन से। इतनी धीरे धीरे कौन बात करता है? तेरी बहन से बात कर रहा हूँ। है? अच्छा एक बात बता, अगर हमारी पृथ्वी से एक ग्रह टकरा जाए तो कैसी आवाज आएगी? टन की आवाज आएगी। क्यों? तुमने सुना नहीं है कि ये दुनिया पित्तल की? ओ देखा। सही है। सुनो। तुम कल पड़ोसन के साथ पिक्चर देखने गए हो? हाँ। क्यों? आजकल ऐसी पिक्चरें आई कहाँ रही हैं जो बंदा फैमिली के साथ देख सके। सुनो। हाँ? एक बात बताओ। क्या? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मैं तेरे बारे में? अच्छा चल तू ही गैस कर, अगर तूने सही सही गैस कर लिया तो मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा। 500 रुपए? हाँ। तुम कहीं मुझे पागल तो नहीं समझते? अरे वाह क्या गैस किया यार, बिल्कुल ठीक, शाबाश, ये ले 500 रुपए, जा ऐश कर। वेरी गुड। सुन। हाँ? तूने मेरी जेब से पैसे निकाले? हाँ निकाले। क्यों निकाले? मुझे जरूरत थी इसलिए निकाले। तो निकालने से पहले पूछना तो चाहिए था। नहीं मैं क्यों पूछूं, मुझे भी तो आत्मनिर्भर बनना है, मैं हमेशा थोड़ी ना तुमसे पूछूंगी। अच्छा एक बात बता। बोलो। लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शी। और लड़के को? ही। और अगर बहुत सारे लड़के हो तो? ही 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 ही।
हाँ गले में बहुत दर्द हो रहा है। तो तेरे को किसने कहा था ठंडा पानी पीने के लिए? तुमने ही तो कहा था पैग जो है वो ठंडे पानी में अच्छा लगता है। हैं? आ गए डॉक्टर से? हाँ आ गया। दवाई ले ली है? हाँ दे दी उसने, दवाई दे दी, कह रहा सुबह शाम खाओ ठीक हो जाएगा। अच्छा अपने सर दर्द के बारे में बता दिया था डॉक्टर को? अब यार तेरे बारे में किस लिए बात करनी थी उससे, दवाई ना अपनी लेने गया था। और नीलम क्या कर रही है? कुछ नहीं ऐसे ही टाइम पास। कुछ अच्छा काम करा करो, न्यूज देखा करो। न्यूज क्या आ गया न्यूज में? मैं अभी न्यूज में देख रहा था, उसमें बताया कि एक रिसर्च से पता लगा कि लड़के ज्यादा समझदार होते हैं लड़कियों से। क्यों? लड़कियां ज्यादा समझदार होती है? अच्छा हाँ चल मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। पूछो। अगर यहाँ से हाँ? दिल्ली जाने में 90 मिनट लगते हैं एक कार को, तो वापसी में उसको 1.5 घंटा क्यों लगता है? रस्ते में जाम मिल गया होगा यार। बस हो गया। अच्छा सुनो एक बात बताओ। पूछो। अगर मान लो मैं और मेरी एक फ्रेंड और शेर के पिंजरे में फंस जाए तो तुम बताओ किसे बचाओगे? शेर को। भाई खतरे में तो जान उसी बेचारे की है। अरे आज तो प्रपोज डे है, मैं जरा इनके पास जाके पूछती हूँ आज प्रपोज डे पे मुझे कैसे प्रपोज करेंगे, पूछती हूँ चल के। सुनो। हाँ सुनो आज प्रपोज डे है। अच्छा तो अच्छा एक बात बताओ, इतने सालों बाद अगर मैं तुम्हें कहूँ मुझे प्रपोज करो कैसे करोगे? मैं तुझे एक शेर सुना के प्रपोज करूंगा। सुनाओ सुनाओ। अर्ज किया है? सुनाओ। तुम आए मेरी जिंदगी में। अरे वाह। तुम आए मेरी जिंदगी में कुछ इस तरीके से कि जैसे हरे भरे खेत में सांड घुस गया हो।